दोस्तों सलामत। आप देखिए 25 अप्रैल को क्लाइंट इंटरव्यू है और आपके जो है ट्रेड का है दोस्तों, तो 25 तारीख को आप मौका छोड़िएगा नहीं। जो भी साथी आएंगे इंटरव्यू देंगे उनका वीजा आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह डेनिम कंपनी है, कतर और दुबई दोनों जगह का इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। सैलरी भी जबरदस्त है, सारे चीज़ें जबरदस्त है, फोन नंबर भी मेरे ऑफिस का ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद भी मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जो साथी इंटरव्यू देने के लिए आना चाहते हैं वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, या परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस सर्च मारेंगे, आपको एड्रेस पूरा मिल जाएगा। मेरे ऑफिस पे आ जाइएगा और आके क्लाइंट इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना रहेगा। भीड़ ज़्यादा होती है इंटरव्यू में, तो साथ ही आप लोग इस नंबर पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आप इंटरव्यू देने के लिए 25 तारीख को 25 अप्रैल को आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका बहुत जल्दी ही सबसे पहले इंटरव्यू हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि यह डेनिम कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि लगभग हर एक देशों में है दोस्तों। इसमें वही दोस्त जाता है जो बहुत भाग्यशाली होता है। और रियल में आप लोग जो भी साथी देख रहे हैं, धीरज भाई, दीपक गिरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। और दोस्तों आप भी शेयर कर दीजिए, मेरे भाई 715 लोग देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, 715 लोग देख रहे हैं। और जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपके जानने वाले को, आपके पहचानने वाले, आपके नारिजदान, आपका रोजी रोजगार कहीं लग सके, आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें, मेरे भाई समझ रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर, समझ रहे हैं। आगे जितना टाइम बीतेगा, जितना बुढ़े होंगे उतना जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। तो मैं जो वांट बता रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिए। आपके जानने पहचानने वाले कोई हैं जो जाना चाहते हैं तो तुरंत हमारे ऑफिस में 25 तारीख को भेज दीजिए, बोल दीजिए पहले रजिस्ट्रेशन करवा के जाएंगे तो ऑन द स्पॉट तुरंत जो है सबसे पहले उनका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। यह देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें 1700 प्लस 300 जो रियाल लिखा है, मैं क्लियर कर दूँ, 300 रियाल खाना के लिए लिखा है, प्लस यह जो है 1700-1300 सब बेसिक सैलरी है मेरे भाइयों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 8 घंटे का है, 8 घंटे के बाद आपका ओवर टाइम है, ठीक है। इसमें देखिए स्ट्रक्चर फेब्रिकेटर चार्जेंट चाहिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, स्ट्रक्चर फेब्रिकेटर चार्जेंट, जो कि प्लेट भी बोलते हैं, प्लेट फेब्रिकेशन चार्जेंट, ठीक है। 80 आदमी चाहिए जिसका बेसिक सैलरी 1700 प्लस 300 है। स्ट्रक्चर पाइप फेब्रिकेटर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल पाइप फेब्रिकेटर 75 आदमी चाहिए, 1300 रियाल 8 घंटे का प्लस 300 रियाल खाने का, समझ रहे हैं, 300 रियाल टोटल मिला के 1600 रियाल हो गया आपका, 40,000 के ऊपर ही सैलरी उठेगा मेरे भाई ओवर टाइम के बाद, ठीक है। स्ट्रक्चरल पाइप फीटर चाहिए, देखिए स्ट्रक्चर पाइप फेब्रिकेटर है और दूसरा स्ट्रक्चर पाइप फीटर है, जिसमें 50 आदमी चाहिए, 1100 रियाल 8 घंटे का प्लस 300 रियाल खाने के लिए है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर प्लेट फेब्रिकेटर है, स्ट्रक्चर प्लेट फेब्रिकेटर है, जिसमें 75 आदमी चाहिए, 1300 प्लस 300 है, स्ट्रक्चर प्लेट फीटर है, ठीक है, देख लीजिए, स्ट्रक्चर प्लेट फीटर है, जिसमें 100 आदमी चाहिए, 8 घंटे का 1100 प्लस 300 रियाल है। और ये आपके ट्रेड का मैं बता रहा हूँ, फीटर असिस्टेंट चाहिए। जो भी साथी फीटर का काम सीखना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, काम कहीं आप सीखेंगे तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ रहे हैं, आपके घर में कोई पढ़ता होगा तो पहले बेचारा पैसा भी देता है, उसके बाद जो है अपना टाइम भी देता है। लेकिन असिस्टेंट फीटर ऐसा एक ट्रेड है जिसमें आप काम सीख सकते हैं। आपके देखिए मैं अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, जिन साथियों को काम नहीं मालूम है, जो आधे अधूरे हैं, थोड़ा सा जो है मालूम है कोई काम और सोच रहे नहीं ये काम हमको मालूम है, अंदर से उनको भी मालूम है पूरा काम नहीं है, वो लेबर हैं, हेल्पर हैं, ठीक है, लेकिन तभी भी जबरदस्ती करते हैं, जगह जगह जाते हैं, इंटरव्यू फेल होकर चले जाते हैं, ठीक है। तो यह जो है ट्रेड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीटर असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर पाइप फीटर वगैरह जो भी है, उनके साथ असिस्टेंट का काम करना रहेगा, एज ए हेल्पर आपको उन्हीं लोगों के साथ करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप गर्रा माटी का काम करेंगे, ठीक है, सिविल के साथ काम करेंगे, इन्हीं लोगों के ट्रेडों के साथ काम करना रहेगा, जो कि साल दो साल में आप इतना अच्छा काम सीख जाएंगे कि पूछिए मत। इसमें 100 आदमी चाहिए, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है काम सीख रहे हैं आप, टोटल सैलरी आपका जो है 1050 है,
750 आपका बेसिक है, 300 रियाल आपको खाने के लिए मिलेगा, लेकिन साल से 2 साल के अंदर दोस्तों आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब आप काम सीख लेंगे तो सीना चौड़ा करके मेरे ही पास कहें आएंगे और कहेंगे भैया काम सीख लिए, अब ट्रेड वाले में इंटरव्यू मानना है, या उसी कंपनी में हर एक साल इंटरव्यू होता रहता है कि कौन सा आदमी कितने ग्रेड का है, आप वहाँ पर भी इंटरव्यू अच्छा पास कर जाते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं, फीटर असिस्टेंट हेल्पर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आ जाइए कोडेड वर्कर। कोडेड वर्कर क्या होते हैं? FCAW STEAK 3G, ये वेल्डर होते हैं, कोडेक वेल्डर, FCAW STEAK 3G, ठीक है। 75 आदमी चाहिए, जिसमें 1150 रियाल बेसिक प्लस 300 रियाल खाने का है, ठीक है। अब देखिए कोडेड वेल्डर चाहिए, ठीक है, कोडेड वेल्डर जिसमें FCAW 3G चाहिए, ठीक है, और इसमें सैलरी 1100 प्लस 300 है। वेल्डर असिस्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साथी वेल्डर का काम सीखना चाहता है ना, उसके लिए भी समझ लीजिए गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। जो वेल्डर का हेल्पर बनना चाहते हैं, वेल्डर का काम सीखना चाहते हैं मेरे भाई, चुपचाप आंख बंद करके वेल्डर हेल्पर में आप चले जाइए। आप वेल्डर हेल्पर के साथ ही काम करेंगे, साल भर के बाद 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 750 रियाल बेसिक है, 300 रियाल आपका खाने का, जुड़ेंगे तो 1150 रियाल हो जाएगा, जो कि इंडिया का लगभग 22 से 23 हज़ार रुपया होगा। ओवर टाइम करेंगे तो आराम से और ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो मेहनत करने वाला आदमी है आराम से हेल्पर में 20 से 25 हज़ार रुपया घर पर भेज देगा जो काम करने वाला है, ठीक है। टर्नर, देखिए ध्यान से सुनिए, टर्नर मैकेनिस्ट चाहिए, जो टर्नर होते हैं उसके मैकेनिक चाहिए, 1500-1250 रियाल बेसिक प्लस 300 रियाल खाने का है। इंडस्ट्रियल स्प्रे पेंटर, देखिए स्प्रे पेंटर इंडस्ट्रियल है, जो घर पे आते हैं स्प्रे पेंटर वो नहीं आएंगे। इंडस्ट्रियल स्प्रे पेंटर क्या होता है? एयरलेस पेंटर होता है, एयरलेस, बिना एयर के स्प्रे पेंटिंग करना रहता है। तो जो साथी किए रहेंगे वही आएंगे, 1200 रियाल 8 घंटे का प्लस 300 रियाल खाने का है। 12वां ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक डीजल मैकेनिक चाहिए, हाइड्रोलिक डीजल मैकेनिक चाहिए, जिसका 8 घंटे का 1250 रियाल प्लस 300 रियाल खाने का टोटल मिलाएंगे तो 1550 रियाल हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, उम्र जो है 21 से 45 साल तक इस ट्रेडों में चल जाएगा। पासपोर्ट आपका 10 फेल रहे या 10 पास रहे, दोनों में चल जाएगा। आपका इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देते समय ही जो है क्लाइंट रहेगा जो आपको बताएगा, आपको दुबई ले जाएगा, कतर ले जाएगा, ठीक है। रेडी होते हैं तुरंत, ऑफर लेटर पे साइन करिए, भेजा लीजिए और जाइए तुरंत 2 पैसा कमाइए। ये 8 घंटे की सैलरी है, बाकी जो है आपका 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा, 6 दिन काम करना रहेगा, आएंगे जाएंगे तो 2 साल बाद कंपनी आने जाने का टिकट छुट्टी सब कुछ देगा, फ्रेशर भी चलेगा भैया, जय कुमार भाई फ्रेशर भी चलेगा, हाँ तो हर एक चीज़ देगा। बहुत ही अच्छा मौका है आपको दोस्तों, तो इस मौके का आप फायदा उठाइए सुनील भैया, हाँ, और जाइए आप लोग, हाँ, और जो है अपने साथियों से बात करें, फोन करो सर जी, सुनील गुप्ता जी ये लीजिए, मैं फोन करके आपको। तो भैया अगर आपको काम मालूम है तो मौका मिला है, जान लीजिए छक्का मार दीजिए, मिस मत करिए, आइए इंटरव्यू दीजिए, बाकी क्लाइंट रहेगा, सैलरी ऊपर नीचे जो भी है हो जाएगा। हाँ सुनील, हाल चाल है? नमस्ते सर जी। नमस्कार, और दुकान अनुकान क्या हालचाल है? ठीक है सर जी, एकदम बैठकिए है लग रहा है। हाँ नहीं अच्छा है, चल रहा है सर जी, आज तो ईद है ना। हाँ इसके वजह से थोड़ा दुकानदारी लग रहा मंदा है। नहीं ठीक है सर जी, और बोल रहा हूँ सर जी कि मैं भाई का अपना काम करा रहा हूँ, तो वीजा नहीं आ रहा है। क्या ट्रेड है उनका? वो इंटरव्यू दिए सऊदी अरब का क्लिनिक वाला। तो क्लीनिंग वाले मेडिकल नहीं ना भी हुआ है? हो गया मेडिकल, तो वीजा आ गया होगा, और रोजा वगैरह चल रहा था ना, आज तो ईद खत्म हुआ है, 3-4 दिन बाद कह दीजिए जाने की तैयारी बनाए अपना। हाँ सुनील भाई, जी हाँ सऊदी में जानते हैं ईद मनाया जाता है, पूरा 1 महीना रोजा ही था। हाँ तो फ्लाइट कहाँ से होता है सर जी? फ्लाइट देखिए लखनऊ या दिल्ली से होगा, लखनऊ से भी तो जा सकती है फ्लाइट। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गाजीपुर जिले से बात कर रहा हूँ। गाजीपुर में कौन से जगह पे? सिरगिट्टा। किस चीज का दुकान है भैया आपका? फुटवेयर का है सर जी। अच्छा बहुत बढ़िया तो है,
तो फैक्ट्री वैक्ट्री भी लगाया है कि माल दिल्ली उल्ली से उठाते हैं? माल कहाँ से उठाते हैं? माल तो सर जी अभी वाराणसी से और गाजीपुर से उठाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ सर जी। अच्छा, मतलब बड़े लेवल पे नहीं काम करते हैं आप? हाँ, अरे सर जी जितना माल सप्लाई रहेगा उसी के हिसाब से काम करेंगे ना। सही बात है, सही बात। ठीक है, आपके भाई साहब को हो जाएगा। हाँ, मना ले दीजिए उन लोगों को। और जो है पिंटू भाई, ठीक है, आप आ जाइए। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? अख्तर भाई, आपको भी मुबारक हो। इंद्रेश सिंह साहब, शेयर किए वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पिंटू यादव भाई, ठीक है, दुबई रिटर्न है, आइए इंटरव्यू दीजिए। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? देखिए, हमारे दिलीप भैया भी शेयर कर दिए, सोनू सिंह साहब भी, देखिए सिंह साहब भी शेयर कर दिए। आप भी शेयर करिए, कम से कम आपका नाम ले सके यार। अंकित शर्मा साहब भी शेयर कर दिए, धानु कुमार भाई शेयर कर दिए, ऋषिकेश झा साहब भी शेयर कर दिए। ठीक है, एमडी शमशेर साहब बोल रहे हैं, बात करना चाहते हैं। शमशेर साहब लगा रहे हैं कॉल हम आपको। आशुतोष प्रजापति है, सिरोजन सारी भाई जी, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैं जरा, बड़ी जबरदस्त टोपी लगाए आप तो। जी हम तो बहरीन में अभी फिलहाल, बहरीन में कौन से रेस्टोरेंट पे हैं क्या आप? राजा कैफे करके है, हाँ, मनामा में कहाँ है? मनामा में थे लगभग 3 साल, मनामा करके अभी 4 साल। अभी कहाँ कहाँ पे हैं आप जी? जनाबिया, जनाबिया बीज पास साहब। लेकिन यार, बहरीन से छोटा हमने आज तक कोई देश नहीं देखा मेरे भाई। हाँ आप पिछली बार आए थे तो हम एक बार मुलाकात करना आपको क्या। अरे, हमको ठग लिया टैक्सी वाला यार, हम कहे पूरा देश घुमाना है, कह रहा है घुमा देंगे। ठीक है, 20 रियाल मांगा, हम कहे ठीक है, 20 बहरीन दिनार तुमको दे रहे हैं। अब 45 मिनट में कहा पूरा बहरीन खत्म हो गया। हम कहे अरे तेरी तो बहुत धोखा हो गया हमारा। ऐसे तो शॉर्टकट घुमा दिया, ऐसे तो इसका क्या हाँ, पता चालीस। ऑर्डर पार्डर घुमाया था मेरे भाई, सीधा एयरपोर्ट से ले गया हमको एकदम सऊदी वाले बॉर्डर पे, जो पुल नहीं है, जहाँ नहीं खजूर जनाब, वजूर। हाँ जनाबी का बीच का जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक हाँ, है, वहां तक ले गया। हम कहे थोड़ा बीच के पार ले चलो, कहा नहीं तो अब सऊदी आ गए। हम कहे अरे यार, इतना जल्दी सऊदी आ गए? कहा हम कहे दूसरे जगह ले जाओ। उधर ले गए समुद्र किनारे, पता चला इधर तो कतर आग जाएगा। हम कहे लो, ये जी तो बहुत छोटा है यार। हाँ, लेकिन आजादी भाई साहब बहुत भरपूर है बहरीन में, इतना यहाँ आजादी है, इतना लड़की आजादी है कि मतलब तनख्वाह भी आदमी खर्चा करके घर से पैसा मंगवाना पड़ेगा, खर्चीला आदमी चला जाए। तो है बहरीन के अंदर, गल्फ के अंदर में सबसे बेस्ट कंट्री फ्रीडम के मामले में बहरीन है। लेकिन यार, मैं क्या बोल, किसी चीज का कोई रोक टोक नहीं। आपके पास पैसा है तो आप जो है नशा में उड़ा रहे हैं, अय्याशी में उड़ा रहे हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। हाँ, हाँ बहरीन में बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्यों? खर्चीला आदमी तो घर से पक्का है, उनको पैसा मांगना पड़ेगा, झूठ बोलेगा कंपनियां तनखाइये नहीं दे रही है, घर से 10,000 भेजिए हम नहीं। हमारे साथ साथ दो पंजाब हम लोग के साथ है, तो अपना सैलरी एक बल्ले बल्ले, हाँ, ये मारा तो ईद उद में आपका नहीं छुट्टी रहता है, ड्यूटी बढ़ जाता है क्या ईद उद में? बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग का ड्यूटी बाई छुट्टी रहता है, वही ईद की छुट्टी बाद में देता है वो लोग नॉर्मल। तो क्या क्या बनाते हैं एक बार दिखाइए हम लोग को भी, थोड़ा सा नहीं खिला सकते हैं तो। इटालियन फूड है इधर, पिज्जा इटालियन, हाँ? बर्गर पास्ता। क्या बात है, तो खाते भी हैं कि सिर्फ बना के खिलाते हैं लोगों को? पहले तो फर्स्ट हम लोग ही टेस्ट करेंगे, बाद में आगे देंगे ना, टेस्ट मन हम लोग तो को लाजिम करना पड़ता है बना करके, तो टेस्ट हम लोग तो तक नहीं करेंगे। मन तो कह रहे खाते खाते आपका भर गया होगा। वही तो है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शमशेर भाई, इस तरह आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ये दुआ है। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? अमित शर्मा साहब हैं जो वीडियो को शेयर किए हैं, मुस्तकीम अंसारी भाई बोल रहे हैं, परफेक्ट ग्रुप बहुत ही अच्छा ऑफिस है, इनके भाई साहब गए हैं हमारे ऑफिस से, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम भाई। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं?
आशुतोष प्रजापति भाई, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया है। अजय मिश्रा साहब लिख रहे थे बिल्डर का भी वांट नहीं है, बिल्डर का तो डाले हैं मिश्रा जी, इसी में डाले हैं, अभी 25 तारीख को इंटरव्यू देख लीजिए, आपके ट्रेड का है तो आप आइए। अंकित शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो को शेयर किया है। संतोष पुरी साहब शेयर कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय मिश्रा साहब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, त्रिलोकी राजभर भाई ने शेयर कर दिया, क्या बात है जी। मिश्रा जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा है, एयरफोन निकालना पड़ेगा लग रहा है। नहीं सर, आवाज आपकी आ रही है हमारी। क्या आ गया, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? अभी तो कानपुर में है। क्या हो रहा है भैया कानपुर में? कानपुर में सर UIL का एक प्लांट बन रहा है, ये पियर्स प्लांट, साबुन बनता है ना। अच्छा साबुन बनाते हैं आप, तो दिखाइए। नहीं हम तो नहीं बनाते, हम तो उसके अंदर अभी हम लोग हाई लेवल पे है, नीचे बेसमेंट में बनता है सर, उसका टैंक वोंक का एरिया बना रहे हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। अच्छा क्या बात है, उसका मतलब वो चला रहे हैं हम लोग, उसका टैंक वोंक बैठा रहे हैं, अभी बिल्डिंग वोल्डिंग मार के हम हटे। छोटा रहता है लेकिन बहुत बड़ा है क्या जी? बहुत बड़ा प्लांट है, हिंदुस्तान लीवर यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा प्लांट बैठा है। अब बताइए, हिंदुस्तान लीवर एक ही कंपनी है लेकिन जो है लाइफ बॉय वही बनाती है, लक्स वही बनाती है, हम बता पियर्स बनाता है, हमाम बनाता है, रेक्सोना बनाता है, डव बनाता है, लेक्मी लेक्मी काजल बनाता है, और उसके बाद से आपका जितना मतलब प्रोडक्ट है लेडीजों का सब वही बनाता है। क्वालिटी वही बनाता है महाराज। आइसक्रीम भी बनाती है यहाँ पे। आइसक्रीम खाते हैं नहीं आप लोग? आइसक्रीम उस प्लांट में जाने के लिए अलाउड नहीं रहता है, मगर जाते हैं तो खाते हैं। अच्छा तो लोग साबुन भैया घर पे कितने लेके चले आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं सर, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का पहरा रहता है, जाते वक्त चेक करता है लोग, पकड़े जाने के बाद से पूरी चौकी में डायरेक्ट दे देते हैं। साबुन लगाने के लिए नहीं ले जाने देते? नहीं, अंदर जितना लगाना है नहाइए लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं सर। जब बाहर नहीं है बाहर नहीं बताइए क्या कर सकते हैं सर? हमको मतलब टी गंडा के बिल्डर का कोई वांट आया है तो फिर बताइए सर। आते टी गार का तो पिछली बार आया था, टेस्ट भी हुआ था, बिल्डिंग करवा के ले गया था। मैं कोई ऐसा इंटरव्यू आपका ऐसा नहीं है जो नहीं देखता हूँ सर, अभी तक तो कोई नहीं देखा हूँ सर। हम लाइव भी डाले थे, जब इंटरव्यू चल रहा था हमने लाइव भी डाला था जो लोग बिल्डिंग कर रहे थे, अब ध्यान लग रहा है नहीं दिए, मौका छोड़ दिए। कोई बात नहीं, अब देखिए यही ईद मिश्रा जी अजय भाई, ये ईद खत्म हुआ है आपके लिए, हम लोग 24 घंटा देंगे। थोड़ा रोजा का महीना चल रहा था दोस्त, तो मान लीजिए पूरा साल तो आदमी कमाता खाता ही है, लेकिन एक महीना थोड़ा सा हम भी रेस्ट में थे, अब आ गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का वीजा है, विजय राय भाई कंप्यूटर ऑपरेटर में बहुत काम आता है, क्या काम करते हैं। अंकित शर्मा साहब आपने वीडियो शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू भाई, असलम अंसारी भाई, आप कुछ बताते नहीं है, क्या नहीं बताते हैं भैया, सब तो बताते हैं, क्या आपको जानकारी चाहिए? अंकित भैया बताइए। अमित शर्मा साहब, इलेक्ट्रीशियन का ऑलरेडी कितना बार आ चुका? अंकित शर्मा साहब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने लगा दिया। अंकित शर्मा साहब मैंने आपको कॉल लगाया है, अमित शर्मा साहब आपको भी मैं कॉल कर रहा हूँ जी। अंकित भैया क्या हाल चाल है जी? नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, इनका फोन ही कट गया। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं और इनका फोन कट गया, मैं दोबारा लगा रहा हूँ। चंद्रलाल भाई भी हैं, अमित शर्मा साहब मैं आपको भी लगा रहा हूँ, सारे लोगों से बात करेंगे, किसी आदमी को छोड़ेंगे नहीं भैया। जो भी बात करना चाहते हैं वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। विजय यादव भाई वीडियो को शेयर करिए, आपको भी मैं बात कर रहा हूं। पिंटू भाई, हाँ हेल्पर में जाइए भैया, क्या दिक्कत है, क्या हाल चाल है भैया? अमित शर्मा साहब देखिए क्या भी कट गया, और जुनेद खान साहब मैं आपको भी लगा रहा हूँ।
काट दिए आप रिजवाजुद्दीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष भाई खराफी का जी, अभी तो खत्म हुआ है रमजान, अब देखिए ठीक है रमजान को जैसे एक महीना समझे काम टपी था पूरा। मिराज बाबू भैया, मिराज बाबू लिखे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको भी काल लगा दिया है मैंने। दिलीप कुमार भाई जिप्सन कारपेंटर, हाँ 28 तारीख उसका भी इंटरव्यू है, हो सकता है शाम में या कल मैं आऊँ, ठीक है कल मैं हो सकता है लाइव आपके आऊँ मिराज भाई। और जो है कोई साथी है जो बात करना चाहता है वीडियो के ऊपर शेयर करिए। कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो बात करिए भाई। धानु कुमार साहब शेयर कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद धानु भाई, मैं आपको लगा दिया हूँ। स्टील फिक्सर का काम तो हरदम रहता है पूरे साल। रंजीत कुमार गणेश साहब, हेलो धानु भाई, देखिए कट गया भी। और कोई साथी है जेपी शाह भाई, मैं आपको भी लगा दिया। मोहम्मद इरफान भाई आपको भी ईद मुबारक हो। कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? हेलो जेपी शाह साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है उनका भी देखिए सर मैं टेलर कर दिया जेपी सुल्तान भाई। तो देखिए दोस्तों ये मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट, जो भी साथी जाना चाहते हैं इसमें पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लें, 25 तारीख को आए तुरंत अपना इंटरव्यू दें दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं शाम तक या कल आता हूँ, जिसमें जो है वॉल पेंटर चाहिए, फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, किचन कारपेंटर चाहिए, एक नंबर की कंपनी है उसके लिए लाइव, उसमें भी आई 28 तारीख को इंटरव्यू।